सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी एबी डिविलियर्स को एक तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 42वां मुकाबला पंजाब और बैंगलोर की टीम के बीच में बैंगलोर में खेला गया। देखिए दोनों ही टीमों के बीच खेला गया यह मुकाबला अपने आप में काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोनों ही टीमों की सिचुएशन करो या मरो वाली है। इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर पंजाब की टीम के कप्तान रविचंद्रन अश्विन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन आपको बता दें कि रविचंद्रन अश्विन का यह फैसला मैच के शुरुआती दौर में तो पूरी तरीके से उनकी टीम व उनके खिलाफ जाता हुआ दिखा। दोस्तों आपको बता दें कि आरसीबी की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि कप्तान विराट कोहली और पार्थिव पटेल ने मैदान पर आते ही पारी के पहले ओवर से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी, लेकिन इस बार के आईपीएल में शानदार फॉर्म में चल रहे आरसीबी की टीम के कप्तान विराट कोहली इस मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। आपको बता दें कि इस मुकाबले में विराट कोहली 8 गेंद खेलकर केवल 13 रन ही लगा सके, जिसके बाद पारी के चौथे ओवर की पहली गेंद पर वह मनदीप सिंह को एक आसान सा कैच थमा बैठे, जिसके बाद उनकी यह पारी केवल 13 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई थी। परंतु विराट कोहली से भी ज्यादा शानदार फॉर्म में चल रहे पार्थिव पटेल कहां रुकने वाले थे। आपको बता दें कि क्रीज के एक छोर से वह और भी ज्यादा आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करने लगे और 24 गेंदों में ही 43 रन लगा चुके थे। इस दौरान अपनी पारी में पार्थिव पटेल ने 7 चौके तो वहीं 2 गगनचुंबी छक्के भी जड़े थे, परंतु फिर 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर पार्थिव पटेल भी कैच आउट हो गए और उनकी पारी वहीं समाप्त होकर रह गई। साथ ही दोस्तों इसके बाद जो कुछ मैदान में होने वाला था उसकी तो आरसीबी की टीम के खिलाड़ियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि पार्थिव पटेल के मैदान से जाने के बाद बल्लेबाजी का मोर्चा संभाल ले आए शानदार खिलाड़ी मोइन अली आज के मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। मोइन अली ने अभी अपनी पारी में 5 गेंदे खेलकर 4 रन लगाए थे कि वह पारी के 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविचंद्र अश्विन द्वारा डाली गई एक गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। दोस्तों मोइन अली के आउट होने के बाद कहीं ना कहीं आरसीबी की टीम का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा चुका था। साथ ही मोइन अली के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए आकाशदीप नाथ आज भी पूरी तरीके से फ्लॉप रहे। 7 गेंदे खेलकर आकाशदीप नाथ भी अपनी पारी में केवल 3 ही रन लगा सके, जिसके बाद वह भी आउट हो गए थे। और अब आरसीबी की टीम के बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाल रहे थे टीम के सबसे मजबूत खिलाड़ी एबी डिविलियर्स और मार्कस स्टोइनिस। और दोस्तों आरसीबी की टीम की तरफ से एबी डिविलियर्स ने जिस तरीके की 44 गेंदों में 82 रनों की एक तूफानी पारी खेली उसके बाद उनकी हर जगह तो तारीफ की जा रही है। आपको बता दें कि इस बार के आईपीएल के सीजन में एबी डिविलियर्स ने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं करी थी, लेकिन इस 82 रनों की पारी के बाद हर कोई एक बार फिर से उनकी बल्लेबाजी का मुरीद बन गया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसी पारी के दौरान एबी डिविलियर्स ने मैदान में एक हाथ से ऐसा छक्का जड़ा था कि गेंद स्टेडियम के बाहर चली गई थी। साथ ही एबी डिविलियर्स ने यह अद्भुत छक्का किसी आम गेंदबाज के खिलाफ नहीं बल्कि मोहम्मद शमी जैसे तूफानी गेंदबाज के खिलाफ जड़ा था। आपको बता दें कि यह पूरा वाक्य पारी के 19वें ओवर का जिसे डाल रहे थे मोहम्मद शमी और इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर एबी डिविलियर्स पहले से ही 2 छक्के जड़ चुके थे, परंतु फिर इस ओवर की तीसरी गेंद पर एबी डिविलियर्स का विकेट लेने के लिए मोहम्मद शमी ने इस गेंद को एक लोअर फुल टॉस में तब्दील कर दिया और जैसे ही अब 2 धीमी गति की गेंदबाजों के बाद अचानक से फुलटॉस गेंद आ गई तो एबी डिविलियर्स बिचल गए थे और उस गेंद पर किसी भी तरीके का शॉट लगाने के लिए एबी डिविलियर्स ने केवल एक हाथ से अपने बल्ले को घुमा दिया। लेकिन दोस्तों एबी डिविलियर्स के एक हाथ में भी इतनी जान थी कि यह गेंद जाकर गिरी सीधा स्टेडियम की छत पर और यह इस मैच का सबसे लंबा छक्का भी करार दिया गया। आपको बता दें कि इस छक्के की लंबाई 105 मीटर से भी ऊपर की आंकी गई है, साथ ही यह आईपीएल 2019 के सबसे लंबे छक्कों में भी शुमार हो चुका है। परंतु दोस्तों यहां पर तारीफ करनी होगी एबी डिविलियर्स के एफर्ट की, क्योंकि एक हाथ से छक्का लगाना आसान बात नहीं, लेकिन जब एबी डिविलियर्स जैसा बल्लेबाज स्ट्राइक पर हो तो सब कुछ मुमकिन है और यह उन्होंने यह छक्का लगाकर साबित कर दिया है। लेकिन दोस्तों मोहम्मद शमी को लगाए गए एबी डिविलियर्स इस अद्भुत छक्के को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।